बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम मस्ताल के खिलाफ विरोध, बुधनी से कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के सामने जताया विरोध। कार्यकर्ताओं का आरोप, एक एक्टर को दे दिया टिकट, बुधनी में विक्रम मस्ताल को कोई नहीं जानता, हम नहीं करेंगे विक्रम मस्ताल के लिए काम। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया है कार्यकर्ताओं ने विक्रम मस्ताल का, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी है विक्रम मस्ताल, जिनका बुधनी में कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के सामने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक्टर को यहां पर टिकट दे दिया गया है, बुधनी में विक्रम मस्ताल को कोई भी नहीं जानता है और उन लोगों का कहना है कि हम विक्रम मस्ताल के लिए काम नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं ने ये साफ कर दिया है, विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम मस्ताल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवीय हमारे साथ जुड़े। जी सनी, आपसे जानना चाहेंगे कि विक्रम मस्ताल का विरोध करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता और कमलनाथ के सामने विरोध प्रदर्शन किया, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी निश्चित तौर पे कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी और सूची जारी करते ही अब कांग्रेस का जो है विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के बजरंगबली प्रत्याशी यानी विक्रम मस्ताल को जो है बुधनी से शिवराज सिंह के अगेंस्ट जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, उसका विरोध भी अब शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वहां के बुधनी क्षेत्र के, वो कमलनाथ के निवास पहुंचे और विक्रम मस्ताल का जमकर विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक एक्टर को टिकट दे दी गई है बुधनी विधानसभा में, विक्रम मस्ताल कोई नहीं जानता, जनता उनको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्होंने चेतावनी भी दी और उन्होंने कहा कि हम विक्रम मस्ताल के खिलाफ काम लेंगे। कुल मिलाकर माना है कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया, बड़ी संख्या में बुधनी के कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। विक्रम मस्ताल के खिलाफ नारेबाजी और चेतावनी करके उन्होंने कहा है कि हम काम नहीं करेंगे विक्रम मस्ताल के साथ। जी जी सनी, लगता है कि इस पर पार्टी कोई एक्शन लेगी आगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सीधा विरोध निकलकर सामने आ रहा है टिकट को लेकर, तो क्या लगता है कि इस पर पार्टी कोई एक्शन लेगी आगे? जी निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रस्ताव, जो प्रत्याशी है वो तो सूची और टिकट दे दिया गया है, अब देखना होगा पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ क्या कुछ निर्णय इस मामले में लेते हैं। जी सनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।